सरकारी विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था बदहाल, ठंडे में जमीन पर बैठकर ठिठुरते हुए कर रहे हैं नौनिहाल बच्चे पढ़ाई। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। हर दिन पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण का शायद ढकोसला किया जाता है, उस पर कार्रवाई कुछ भी नहीं हो पाती। सैकड़ों विद्यालय में ना तो बैठने की व्यवस्था है और ना ही पीने की अच्छी व्यवस्था है और ना ही कमरे की। नौनिहाल बच्चे ठंड में ठिठुरते हुए ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, जिससे उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। अधिकारियों से जब पूछा जाता है तो उनका बस एक ही कहना होता है कि परेशानियों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि जल्द पूरा कब कर लिया जाएगा? जब बच्चे की तबीयत बिगड़ जाएगी तब, या फिर देश के भविष्य स्कूल जाने से कतराने लगेंगे तब? ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है भागलपुर के कालगांव अनुमंडल स्थित प्रोन्नति मध्य विद्यालय वनस्पति सरकारी विद्यालय से। गौरतलब हो कि इस विद्यालय में ना तो शिक्षा की गुणवत्ता है और ना ही पढ़ाई करने के लिए कमरे हैं, ना ही पीने के लिए शुद्ध पानी और ना ही क्लासरूम में बैठने के लिए जगह। बाहर किसी तरह बच्चे को ज़मीन पर बिठाकर ठंड में ठिठुरते हुए पढ़ाया जाता है। वही मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार से जब पूछा गया कि बच्चों का यह हाल क्यों है, तो उनका साफ तौर पर कहना हुआ कि हम लोगों ने कई बार आवेदन दिया लेकिन यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते बच्चों को ना तो बैठने के लिए जगह है और ना ही पीने के लिए पानी और ना ही क्लास करने के लिए कक्षा। वहीं इस विद्यालय की छात्रा काजल खातून का कहना है कि विद्यालय में बैठने में भी डर लगता है क्योंकि छत टूट टूट कर गिरते रहते हैं। सभी बच्चे डरे सहमे रहते हैं। हम लोगों को ज़मीन पर बिठाया जाता है जिससे हम लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते विद्यालय भी नहीं आना चाहती हूँ। ये छत जो है टूटा हुआ, वो उससे गिरने बारिश आती है तो छूता है और हमारे को दिक्कत होती है पढ़ने में। चार ही रूम है और एक से आठ तक के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, और चार क्लास की ज़रूरत है। क्या नाम है? काजल खातून। समस्या तो है, यहाँ कमरों का अभाव है। ये मध्य विद्यालय है और कमरे चार हैं और दो कमरा बिल्कुल जर्जर हो चुका है कि बच्चे पढ़ते हैं और ऊपर से छत गिरता है। और बच्चों की संख्या भी 500 के आसपास है और चापाकल मात्र एक है, जिससे पानी की भी बहुत अधिक समस्या होती है। दो बरामदे हैं जिस पर कि पहले टिफिन के पहले बैठाया जाता है, उसके बाद मध्याह्न भोजन होता है और मध्याह्न भोजन के बाद उसको साफ़ सफाई कराया जाता है, जिससे पानी उस पर रह जाता है, जिसके कारण बच्चों को जी बरामदा पर बैठाया जाता है चार क्लास को। और खाना खिलाने के बाद खाना वहीं बरामदे पर ही खिलाया जाता है और साफ़ सफाई के बाद बच्चे वहां पर बैठ नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमको मजबूरी बस नीचे दरी पर बैठाना पड़ता है। मैं प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय बनसप्ती, मेरा नाम प्रवीण कुमार।